तो चलिए चलते हैं खेत में और आज आपको हम बताएंगे एक नया कॉम्बिनेशन की सब्जी। आप बोलेंगे राज ऐसा ही बनता है क्या? सर्दी के मौसम में बनता है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिएगा ना, तो देखिए कितना बड़ा कोहड़ा फला हुआ है। देखिए मैं टोकरी हटा के दिखा रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा कोहड़ा है, देख रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, आज के लिए कैमरामैन मैं बनी हूँ लाला जी का। जब तक ले कैमरामैन नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। और देख रहे हैं खेत में जा रही हूँ पीछे पीछे। अरे वाह, मेरी सखी तो कुछ कर रही है। मेरी सखी देखिए क्या कर रही है। क्या हुई सखी? गाय खाई। किस साग बना जाए? गाय खाई एक साग बने ला। अरे वाह, गाय खाने के लिए ले जा रही है मेरी सखी। किसका साग बनता है वो बता भी दी आप लोगों को। मुलायम मुलायम पत्ता की बने ला, मुलायम पत्ता का बनता है साग। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग दोनों जन मिलके बनाने वाले हैं रेसिपी, जो है वो आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे पीछे से कैमरामैन कौन है, तो कैमरामैन आई एम कैमरामैन। ये देख रहे हैं, तो कैमरामैन का सैलरी कितना दीजिएगा? जो मेरे से जो बचेगा वो सैलरी आपका। ये देखिए बंदा गोभी कितना बढ़िया। हाँ, बंदा गोभी थोड़ा सुंदर हुआ है। मंचूरियन बनाना है आपको? अरे वाह, बहुत लोग पसंद करते मंचूरियन बोल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए मंचूरियन बनाने वाले हैं लाला जी। जब देखिए कहाँ कहाँ खेत में जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे ले चलती हूँ आप लोगों को। आप लोग भी आइएगा खेतों में, ध्यान से देखिए क्या क्या बोया हुआ है खेतों में। इस टाइम खेतों का दृश्य देखने लायक है ना जी, एकदम पीला हुआ है सरसों, पीला फूल चारों तरफ, हरियाली हरियाली। सबसे तो मजा आता था कि हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो लोटा लेके जाया करते थे लैट्रिन करने, और आराम से इस तरह से लैट्रिन करने बैठ जाएंगे और एक एक मटर ऐसे ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के और लोटा में भर देते थे मटर को। ये देखो ऐसे देख रहे हो, अपने हरकतें बता रहे हैं। ऐसी तरह चल देते थे ऐसे ऐसे, बचपना बुद्धि। मालूम पड़ता था कि लड़का तो लैटिन होके आ रहा है, लेकिन वो एक लोटा मटर भर के जाते थे, बड़ा ही होता था भाई। ऐसे ऐसे कभी कभी करता है, समझदार होने के बाद कोई नहीं करता है। और आप लोग भी अगर ऐसा करते हो तो ना करें। जो आज कॉम्बिनेशन है सब्जी की, वो आज हम बताने वाले आपको, सीताफल यानी कि कोहड़ा, मूली, गोभी खेत से ले चलेंगे और बनाएंगे इसकी मिक्स सब्जी। इसको मसालेदार भी बना सकते हैं, हल्का मसालेदार भी बना सकते हैं, और इसको तड़का से ही बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मूली लेते हैं, एक में एक मूली बोया रहता है ना, मूली जबरदस्त हुआ है। इसी में से ढूंढ ढूंढ के निकालना है, एक एक निकालते रहेंगे ना, तो जो बचेगा मूली ना, वो भी मोटा मोटा हो जाएगा। मेथी यहाँ से लेते हैं, मेथी का पराठा बनाइए ना, लक्की को तो बहुत पसंद है। लकी आने वाला है तो बनाएंगे। खोटली ना, ये कहाँ खोटा है, खोटा देखा तेरे को, खोटा था हो जाएगा तो तड़के का। हाँ, अब चलते हैं गोभी ले जाएंगे। देखिए कितना अच्छा दृश्य है, गोभी कटा रहा है खेत में, बड़की माई गोभी काट रही है। बड़की माई गोभी काट रही है। हाँ, पहला दिन गोभी काट रही है बड़की माई। तो गोभी तो निकालते हुए आप लोगों को दिखा दी गोभी। हम लोग अपने में गोभी है निकाल। अच्छा, हम लोगों का भी खेत में गोभी है। तो यहाँ पे ज्यादा गोभी नहीं है, एक ही गोभी है, और भी है छोटा छोटा, मतलब बहुत ही छोटा छोटा गोभी है। ये देखिए यहाँ दिखा रहे हैं आपको,
ये बहुत दिन पहले का बोया हुआ है, लेकिन सरसों ज़्यादा हो गया है ना, इस वजह से अब एक गोभी हमें चाहिए ही, एक गोभी है, काम हो गया। तो हम लोग तो बना रहे इधर गोभी की सब्जी, कोहड़ा का, मूली का, लेकिन हमारी भाभी है ना, वो कह रही है कि मैं आज कलौंजी बनाऊँगी, तो उनके लिए बैंगन तोड़ देता हूँ। तो हम लोग गाँव में क्या होता है ना कि जैसे कि आपके खेत में कुछ है तो आप दे दीजिए, और मतलब अदद बदद का हम देते रहते हैं, उनसे भी हम देते रहते हैं, उनको भी देते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन का पत्ता भी तोड़ देते हैं, इसको भी रख देते हैं, थोड़ा मटर भी तोड़ देते हैं, क्योंकि सब्जी में जितना मिक्स करके और उसमें भी मटर डाला जाए तो सब्जी तो और बढ़िया बनेगा ही, तो मटर तोड़ देते हैं थोड़ा सा। देख रहे हैं मटर एक हो चुका है, इतना जल्दी इतना मटर तोड़ दिए, इसको भी इसी में डाल देते हैं। ले अभी पैसा बाकी है। देखिए अभी कैसा होता है बैगन दे के कोबी लो। तो भाई हम सोच रहे हैं गांव में रह रहे हैं तो शादी उदी के काम करे, साड़ी मिलता है, लाला जी को धोती मिलेगा, धोती मिलेगा, दो तीन दिन पूरी खाने को मिलेगा, दो तीन दिन पूरी खाने को भी मिलेगा शादियों में। हाल दे वाली भाभी देख रहे हैं, मेरी सखी को देखिए, ये मेरी सखी है, देख रही हूँ चकी। अरे वाह पिट डाल जा, धूप में रख के काट पीट देते हैं इसको। तो ये देख रहे हैं ये कोहड़ा जो है वो भाभी ही दी थी, वो अपने पौधे से तोड़ी थी तो वो दी थी, और जिस दिन हम लोग ये बड़ा वाला काटेंगे ना भाभी को या और लोग को भी जिसके इसके पास नहीं है या जो खाना चाहता है सबको काट के देंगे। मैंने हम लोग इसको मकर संक्रांति है ना उसके एक दो दिन पहले बांटेंगे, क्योंकि सब लोग बनाते हैं कोहड़ा का सब, तो उसको हम लोग बांटेंगे। तो अब सब्जी को काट देते हैं। तो कोहड़ा ज़्यादा है तो आधा ही बनाएंगे इसमें से, हम लोग बीज नहीं डालेंगे, बीज भी डालेंगे तो टेस्टी ही बनता है, ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं बनता है। तो ये जो सब्जी हम बना रहे हैं ना सीताफल गोभी मूली का, इसमें है कि किसी का थोड़ा सा कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं, सीताफल थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, गोभी आपको पसंद है तो गोभी ज़्यादा डाल सकते हैं, मूली भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये नहीं है कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करें उसकी, कोई ऐसी कोई बात नहीं, जो आपको पसंद है जो घर में हो, जो घर में हो, ये नहीं कि अब मूली ज़्यादा घर में है तो मूली ज़्यादा डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका इस तरह से हम पीस काट लेंगे, जहाँ धूप नहीं है ना उतना, वहाँ उतना ठंड लग रहा है कि पूछिए मत, यहाँ धूप है तो इसी वजह से हम धूप में बैठ गए हैं और इसको काट देते हैं। ये देखिए गोभी खेत से लाए थे, इसको पूरा पत्ता समेत इस वजह से लाए थे, इस तरह बाजारों में भेजा जाता है, और यहाँ जाने का देखिए फायदा बता रहा हूँ आपको क्या क्या है। ऐसे काट दीजिए गोभी को, और इसमें देखिए दो चार मुलायम पत्ते भी हैं, ये और भी थोड़ा आप काट सकते हैं, देख रहे हैं ना ये मुलायम पत्ता है, इसको भी काट सकते हैं इस तरह का मुलायम पत्ते, और इस पत्ते को भी ना आप बारीक बारीक काट दीजिए सब्जी में, इसका भुजिया बहुत बढ़िया बनता है, भुजिया ही बनाना है, मूली का पत्ते का भुजिया, गोभी का पत्ते का भुजिया, मुलायम मुलायम पत्तों का, जिसमें जो गोभा गोभा होता है ना एक एक फूल इस तरह से, ये ज़्यादा मोटा हो तो बीच में कट मार दें या दो टुकड़ा भी कर सकते हैं, ये थोड़ा जल्दी गल जाता है इस वजह से इसको थोड़ा बड़ा बड़ा रखे हैं, इस तरह से काटेंगे और इस तरह कट मार कर रखें। देख रहे सरसों के खेत में है तो इसमें पूरा सरसों का फूल चिपका पड़ा, मूली का भी पत्ते हम हटा देंगे, और इसको तो बाकी हम खाने के लिए लाए हैं, इसका पहले हम सोर साफ कर देंगे, तो इस तरह से हम गोल गोल मूली को भी काट देंगे। तो दोस्तों मैं अभी मिल के सब्जी कटवा लेती हूँ, फिर बनाएंगे हम लोग, जल्दी भूख लगी है। मटर को भी छुड़ा देते हैं फिर धो के, तब कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। चूल्हा जला देते हैं, ये जो पहले का लकड़ जला हुआ है ना इसको अंदर ही डाल देंगे, क्योंकि पहले जल जाता है, इसको अंदर कर देंगे और इसके ऊपर लकड़ रखेंगे पतला पतला। इससे क्या होता है कि लकड़ बहुत कम लगता है। चूल्हा जल गया है, अब कढ़ाई रख देते हैं, इसमें एक टेबल स्पून के करीब हम सरसों का तेल डाल देते हैं, तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गोभी को थोड़ा भून लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए हमारा भीजा का जो लुक बनाया है वो कौन है, अनिता जी बनाई है, देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा बच्चा
देख रहे हैं दोस्तों, अब इनका बड़ा चैनल है तो मैं अपना प्रमोशन भी ना करवाऊं। इसी में सबसे पहले हम गोभी को डाल देंगे और डाल के 3-4 मिनट इसको हम भून लेंगे। इसको चला चला के और हमें भून लेना है और ढक देते हैं। तो भाई लाला जी मसाला अरेंज कर रहे हैं, मैं जब तक गोभी का देखभाल करूंगी। यहाँ पे मुझे 1 गांठ लहसुन, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून के करीब सरसों और 10-12 काली मिर्च, इसको हम पीस देते हैं सिलबट्टे पे या मिक्सी जार में पीस सकते हैं आप। पानी देके इसको हम बारीक पीस लेंगे और उधर गोभी का भी ध्यान रखेंगे। आज हम धीरे रखे हैं, थोड़ी देर में हम मसाला पीस के तब जाएंगे तो उसको भी आट पलट के बढ़िया से भून देते हैं। चूल्हा बुझ गया था क्योंकि धीरे आंच पे हम इसको भून रहे थे। अब तो देखिए गोभी बहुत बढ़िया भून गया है, इसको हम अब निकाल देते हैं। धीरे आंच करके भूनिएगा ना तो इतना लाल लाल गोभी भूनता है। तो दोबारा कढ़ाई में अब सब्जी बनाने के लिए थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। यहाँ पे हम चावल बैठाए थे, इसको बंद कर देते हैं। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है जब तक हम लहसुन और मेथी को काट देंगे। तो यहाँ पे 2 लाल मिर्ची है, 1 टीस्पून से कम जीरा है, तो मिर्ची को तोड़ के डालेंगे इस तरह से और तड़का डाल देते हैं। और यहाँ पे हम ना लहसुन और जो मेथी का पत्ते दिए थे इसको डाल देते हैं इसी में। तड़का तड़क गया है तो इसको बस 1 मिनट भून लेंगे, ज़्यादा नहीं। ये सब्जियाँ सारा डाल देते हैं। इन सब्जियों को हम 3-4 मिनट भून दिए हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे जो मसाला पीस के लाए थे वो वाला, और यहीं पे मसाला डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्चा। लाल मिर्चा आप हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो। यहीं पे डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे जो गोभी को भून कर रखे हैं उसे भी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत कम मसालों से बन जाता है सब्जी, इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप धीरे आंच पे बना रहे हैं तो। ये मसाला की वजह से हम पानी डाल रहे हैं, नहीं तो पानी डालते नहीं। जब सारा मसाला डालने के बाद हम इसे 3-4 मिनट और भूनेंगे। तो अब सब्जी को ढक देते हैं। तो 2 टमाटर भी दे दिए हैं, इसको भी धो के और बारीक बारीक काट के इसी में डाल देंगे। अब यहीं पे हम टमाटर भी डाल देते हैं। देख रहे हैं सब्जी कितना बेहतरीन दिख रहा है, देखने में इतना बढ़िया है, खाने में कितना टेस्टी है, तो आप जब बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर आपको रोटी के साथ खाना है तब तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे आंच पे इसको पका दें, सूखी सूखी सब्जी झटपट बनेगी बढ़िया। लेकिन हम लोग बनाए हैं चावल, अभी देखे ही हैं, तो थोड़ा सा तरी बनाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा पानी डाल देते हैं। वही 250 ml के करीब हम पानी इसमें डाल रहे हैं। एक बार इसको चला देंगे, ढक देते हैं और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। आज मीडियम ही रखेंगे, लो टू मीडियम। तो यहाँ पे कल नहीं परसों अनीता जी साग लेके आई थी, अभी बना नहीं है। तो क्या होता है ना कि एक साग के लिए कौन चूल्हा जलाए, तो इस वजह से जब हम लोग चूल्हा जला देते हैं ना तो सोचते हैं कि सब्जी बन जाएगा, तो इसको भी बैठा देंगे उस पर, पकता रहेगा। तो सब्जी इधर पक रहा है जब तक हम साग की तैयारी कर देते हैं। अब साग को डालेंगे धोने के लिए बाल्टी में। तो यहाँ देखिए सब्जी तो बनी रहा है, ये सरसों को धो के हम लोग पसार रखे थे, इसमें जितना खर पतवार है इसको निकाल देते हैं क्योंकि तड़का मारने में बहुत काम आता है, मसाला पीसने में बहुत काम आता है। यहाँ सब्जी बन के तैयार हो गया है, 7-8 मिनट लगा इसको पकाने में, देखिए एकदम लटपट बन गया है सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी को उतार के नीचे रख देते हैं और जो काट के साग रखे हैं धो के अब चूल्हा पे चढ़ा देते हैं, ये आराम आराम से होता रहेगा। तो साग को ढक देते हैं, धीरे धीरे पकता रहे, साग धीरे धीरे पकता रहेगा और बैठता रहेगा नीचे। वैसे तो हमारे चैनल पे 2-3 साग की रेसिपी अपलोड है तरह तरह का,
उसको देखे और बनाए। सर्दी में ही तो साग और हरी सब्जी खाने का मजा है। तो अब जो हम सब्जी बनाए हैं, चावल बनाए हैं, उसको खाएंगे तो सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे चावल बना लिए हैं, जी भी डाल देते हैं। ये देखिए दो मूली भी लाए थे, चार मूली भी खा सकते हैं, इतना मीठा मूली है कि। सबसे पहले आप लोगों को टेस्ट करा देते हैं। मतलब टेस्टी अलग होता है। तो इस तरह से भी आप कोहड़ा का सब्जी बना सकते हैं और खा सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो जरूर घर में बनाइएगा। तो ये जो सब्जी बनाने का तरीका है ना, पुराना है, पुराने जो खाते आए हैं, और सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुराना रेसिपी आप लोगों के लिए शेयर करें, और हमें क्या क्या पुराना रेसिपी बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। और देखिए यहाँ कैमरामैन भी भूखे प्यासे भाई जब से वीडियो बना रहे हैं, तो आ जाइए आप लोग, आप भी आ जाइए, आप लोग भी बना के जरूर खाइए। खूब मीठ मीठ सब्जी बनल भाई, मीठ मीठ लागत भाई, सब्जी है मीठा रस। मुझे तो इतना मुलायम है कि पूछो मत, मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मुझे मुँह में गया है, आराम से कट जा रहा हूँ।